गाइज आज हम लोग मर्डर टू मूवी का फिर मोहब्बत सॉन्ग का कॉर्ड्स और स्ट्रमिंग का लेसन करेंगे जो कि अरिजीत सिंह जी का गाया हुआ गाना है गाइज। और इस सॉन्ग को मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल वे में सिखाऊंगा गाइज, मोस्ट इजी वे में सिखाऊंगा गाइज, ताकि आप लोग हर कोई इसे प्ले कर सके, बिगिनर सुपर बिगिनर कोई भी इस सॉन्ग को काफ़ी आराम से प्ले कर सके। ओके, सो फर्स्टली अगर आपको इस सॉन्ग को ओरिजिनल स्केल में प्ले करना है तो आपको सी माइनर कॉर्ड चाहिए। ओके, ओरिजिनली ये गाना सी माइनर स्केल में बिल्ड है गाइज, सो हमें चाहिए सी माइनर कॉर्ड, देन हमें चाहिए जी शार्प मेजर कॉर्ड, देन जी माइनर कॉर्ड, लास्टली ए शार्प मेजर कॉर्ड। ओके, और अगर आपको इस सॉन्ग को ओरिजिनल स्केल में प्ले करना है और इजी वे में प्ले करना है तब आपको थर्ड फ्रेट पे कैपो प्लेस करना पड़ेगा। ओके, थर्ड फ्रेट पे कैपो प्लेस करने के बाद हमें चाहिए ए माइनर कॉर्ड, देन ई माइनर कॉर्ड, F major chord and G major chord, okay? और अगर आपके पास कैपो भी नहीं है गाइस तो आप क्या करो, सिंपली इस गाने को A minor scale में प्ले करो, okay? कैपो हटा के सिंपली आप गिटार में A minor chord पकड़ो, then आप G major chord पकड़ो, then F major and G major, okay? थर्ड फ्रेट पे कैपो आने के बाद जो chords आ रहे थे वही chords आएंगे गाइस ओपन गिटार में भी। ओके, सो मैं आपको ओपन गिटार में भी ए माइनर स्केल में ये गाना सिखाऊंगा गाइस, ताकि हर कोई इसे प्ले कर सके काफ़ी आसानी से, और ए माइनर स्केल में ये गाना बखूबी बहुत सूट करता है। ओके गाइस, ये बढ़ते हैं गाने के इंट्रो आरपेजियो की तरफ, और ये आरपेजियो कुछ इस तरीके का प्ले होता है। सबसे पहले हमें यहाँ पे ए माइनर कॉर्ड चाहिए गाइस इस आरपेजियो को प्ले करने के लिए, और ए माइनर कॉर्ड हमें फुल नहीं चाहिए गाइस, हमें अपना रिंग फिंगर रिमूव करना है थर्ड स्ट्रिंग से। ओके, सो ये थर्ड स्ट्रिंग यहाँ पे ओपन रह जाएगा एंड हमें ये वाला कॉर्ड चाहिए। ओके, सो इस कॉर्ड में हमें सबसे पहले फिफ्थ स्ट्रिंग को प्लग करना है फाइव, देन हमें प्लग करना है फोर्थ स्ट्रिंग को फोर फाइव फोर,
5/4। फिर इसके बाद हमें प्लग करना है सेकेंड स्ट्रिंग को, टू, सो 5/4 2 5/4 2। देन इसके बाद हमें अगेन सेकेंड स्ट्रिंग को प्लग करना है गाइस, और इस बार हमें अपना इंडेक्स फिंगर यहाँ से हटा देना है, सेकेंड स्ट्रिंग को ओपन प्ले करना है, सो 5/4 2 2 5/4 2 2 5/4 2 2। देन इसके बाद हमें थर्ड स्ट्रिंग को प्ले करना है 3, देन फोर्थ स्ट्रिंग को प्ले करना है 4, और फोर्थ स्ट्रिंग को प्ले करते वक्त हमें अपना रिंग फिंगर यहाँ पे थर्ड फ्रेट पे लाना है गाइस, फोर्थ स्ट्रिंग पे, ओके, सो 5/4 2 2 3 4 5/4 2 2 3 4। ये सबसे पहला पार्ट हो गया गाइस। फिर इसके बाद हमें सेकेंड लाइन में भी सेम प्ले करना है 5/4, और इस बार हम हमें अपना रिंग फिंगर यहाँ पे बनाए रखना है गाइस, ओके, सो 5/4। देन अगेन सेकेंड स्ट्रिंग को प्ले करना है 5/4 2 5/4 2। देन अगेन हमें सेकेंड स्ट्रिंग को फिर से प्ले करना है गाइस, और इस बार हमें ओपन प्ले करना है 2, सो 5/4 2 2। देन थर्ड स्ट्रिंग को ओपन प्ले करना है 3, देन हमें प्ले करना है फोर्थ स्ट्रिंग को 4, और इस बार हमें अपना रिंग फिंगर थर्ड फ्रेट से हटा देना है गाइस, और सेकेंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग में प्ले करना है 4, ओके, सो एक कंप्लीट आरपी जो कुछ इस तरीके का बजेगा 5/4 2 2 3 4 5/4 2 2 3 4। गाइज अभी बढ़ते हैं इस गाने के स्ट्रमिंग पैटर्न की तरफ, और स्ट्रमिंग पैटर्न भी इस गाने का काफ़ी इजी है गाइज, ओनली डाउन स्ट्रोक, एक भी अप स्ट्रोक नहीं है। सो स्ट्रमिंग पैटर्न कुछ इस तरीके का प्ले होता है, डाउन 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 गाइस। इस स्ट्रमिंग पैटर्न में हमें सबसे पहले एक डाउन स्ट्रोक करना है, डाउन, सिंपली हमें एक डाउन स्ट्रोक करना है गाइस, डाउन। फिर उसके बाद हमें एक डाउन स्ट्रोक का पैर करना है, मतलब हमें दो डाउन स्ट्रोक करना है एक साथ, डाउन डाउन, सो डाउन 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 डाउन, ओके। फिर इसके बाद हमें तीन डाउन स्ट्रोक करना है गाइस कंटिन्यू, डाउन डाउन डाउन, ओके, सो डाउन 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 डाउन, ओके गाइस। सो इस तरीके से आप इस स्ट्रमिंग पैटर्न को प्रैक्टिस कर सकते हो गाइस, बहुत ही इजी स्ट्रमिंग पैटर्न है, दो मिनट में आप इस स्ट्रमिंग पैटर्न को अचीव कर लोगे, ओके। सो गाइस अभी इस गाने का कॉर्ड्स प्रोग्रेशन और टाइमिंग की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इस गाने का कवर प्ले करूंगा, और गाने का कॉर्ड्स प्रोग्रेशन भी काफी इजी है गाइस, हमें ए माइनर से सिंपली ई माइनर तक आना है, देन एफ मेजर तक आना है, देन बैक टू ए माइनर, ओके। यही कॉर्ड्स प्रोग्रेशन पूरे गाने में चलता रहेगा गाइस एक्सेप्ट द ब्रिज, ओके, ब्रिज में कॉर्ड्स प्रोग्रेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा, ओके। सो इस गाने का कॉर्ड्स प्रोग्रेशन की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए और गाने का टाइमिंग स्ट्रमिंग पैटर्न हर एक चीज की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इस गाने का कवर प्ले करने जा रहा हूँ गाइस, मैं कॉर्ड्स को स्क्रीन में डिस्प्ले कर दूंगा, आप लोग देख देख के मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, मेरे साथ प्ले कर सकते हो, ओके। सो लेट्स स्टार्ट इट।
जब तेरे पास आया एक सुकून मिला, जिसे मैं था भूल पाया मौजूद मिला। जब आए जिस राह पे है घर तेरा अक्सर वहां से हमें हो गुजरा, शायद यही मैं रहा तो मुझको मिल जाए, क्या पता क्या है ये गाइस। आज के इस लेसन के लिए इतना ही। आई होप कि मेरा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा गाइस, और अगर मेरा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा तो फिर आप लाइक बटन में हिट कर देना, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक। और साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर आज आप नए आए हो गाइस, तो फिर आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और साइड में जो आपको बेल आइकन दिया है गाइस उसमें भी क्लिक कर दे। उसमें क्लिक करने के बाद मेरे हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।